हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ड्राइंग के बारे में अध्ययन किया था कि क्या होता है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो हम आजकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं ना, जिसमें मैनुअल ड्राइंग हो चुका था, से मैकेनिकल पढ़ना था। मैकेनिकल में दो होते हैं, एक सेमी होता है, सेमी ऑटोमेटिक, और एक होता है फुली ऑटोमेटिक ना। तो मैनुअल में हो चुका था। मैनुअल में हम कैसे वार्प इंड को हील्ड आई, ड्रॉप वायर और लीड से पास कराते हैं ना, उसको मैन्युअली किया जाता है। मिनिमम दो लोगों की ज़रूरत होती है पर हील्ड के हिसाब से, जितने हील्ड होंगे उसके हिसाब से ना, क्योंकि एक लोग वहाँ से बीम से एक इंड उठाकर लाएगा और दूसरे को देगा, दूसरा क्या करेगा उसको हील्ड, ड्रॉप वायर और लीड से पास कराएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या मैकेनिकल में है या प्रोसेस, दो तरीकों से की जाती है। पहला है सेमी ऑटोमेटिक रीचिंग इन मशीन, ठीक है, इसका पूरा नाम है रीचिंग इन मशीन। ठीक है, इस प्रोसेस में एक वर्कर की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो चीज़ हटा दिया गया, जिसमें इस मशीन में क्या हो गया है, जैसे वहाँ पे एक वर्कर रहता था कि बीम से एक धागा को उठा कर लाता था और दूसरे को देता था, तो ये प्रोसेस को इसमें एलिमिनेट कर दिया गया। इसमें क्या है, इसमें ऐसी सेटिंग होती है कि वो बीम इसी मशीन पे लगी होती है, बस वर्कर वहीं से उठाता है और उसमें हील्ड, ड्रॉप वायर और डेंट से यान को पास कराता है। ठीक है ना, तो एक वर्कर की आवश्यकता होती है। इस मशीन में वार्प यान को हील्ड आई रीड से पास कराया जाता है। ठीक है, इसका भी वही है। इसका देखिए एक डायग्राम है, इसको सबको बनाना भी है। ठीक है, देखिए, और इसमें क्या है, इसमें यह फास्ट प्रोसेस है, इसमें क्या है, क्वालिटी भी बेहतर आती है और कॉस्ट भी कम लगती है। ठीक है, इसका फिर यहाँ पे इसका डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये बीम लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये बीम लगी हुई है, ये पूरी बीम, ये यहाँ पे नीचे देखिए इसमें व्हील लगे हुए हैं, जो व्हील क्या होगा कि इस वहीं पे जहाँ पे हमको जोड़ना होगा या हील्ड से पास कराना होगा, वहीं पे ये बीम पूरा उठा के वहीं पे पास में ला लेंगे। अब वर्कर क्या करेंगे, अपना एक एक धागे को निकालेगा और अगला काम इसमें स्टार्ट कर देगा, मतलब कि हील्ड, ड्रॉप वायर और उनसे यान को पास कराएगा। ठीक है, देखिए एक एक ये है, इसका 3D डायग्राम देखिए। देखिए इसमें बीम बीम लगी हुई है ना, ये बीम पूरे धागे निकले हुए, बस अब यहाँ से हमको एक धागे करके उसको क्या करना है, मैन्युअली ले जाके हील्ड, ड्रॉप वायर और रीड से पास कराना है। इसमें कुछ नहीं, ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसके फीचर्स क्या हैं रिक्वायर्ड। देखिए इसमें अपने सिलेबस में इसकी वर्किंग नहीं है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में क्या कौन कौन से मेथड्स हैं ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसके फीचर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड वन वन ड्रॉयर, मतलब कि एक जो इसमें ड्रॉयर का मतलब वही हुआ कि जो यान को पास करवा रहा है, केवल हमको एक की ज़रूरत होगी, दो की नहीं। ठीक है, कैन बी यूज विथ और विदाउट लीज रॉड, इसमें हम क्या लीज रॉड का भी यूज कर सकते हैं या बिना लीज रॉड के भी इसको हम ड्रॉयल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कि यान को पास करा सकते हैं। फिर इसमें क्या है, तीसरा क्या है, इजी टू लर्न ना, इजी टू लर्न एंड मेंटेन, इसको सीखने में आसानी होती है और उसको हम मेंटेन भी रखते हैं ना। बस इसमें वही डायग्राम बनाना जो अभी हम दिखाए थे आपको, और उसके बाद इसमें क्या है अगला, फुली ऑटोमेटिक वार्प टाइंग, टाइंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से गांठ लगाना ना, टाइंग मशीन। तो इसमें क्या है, देखिए इसका भी वही काम है, इसमें क्या किया है कि इसमें बाकी में भी था, मैनुअल में था,
सेमी में था कि एक वर्कर उसमें एक एक करके ही लाई से ड्रॉप वायर से पास कराता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि दो वर्कर होंगे ना, दो वर्कर होंगे और इसमें जो हमारा फैब्रिक चल रहा है, जैसे जो फैब्रिक ख़त्म हो गया है और हमको उसी टाइप के फैब्रिक बनाना है, मतलब कोई चेंज नहीं ना डिज़ाइन में न यार्न में, तो हम क्या करेंगे कि जो फैब्रिक लास्ट में जो चल रहा है, जो हमारा फैब्रिक चल रहा है उसका जो यार्न बचेगा उसमें हम दूसरी बीम को क्या करेंगे, नॉटिंग कर देंगे। वो नॉटिंग एक मशीन के द्वारा की जाती है, ठीक है। ठीक है, ये मशीन है इसका, ये मशीन है इसका, 3D डायग्राम ही है। ये मशीन है, ये ऊपर जो रखी हुई है क्या करती है, नॉटिंग नॉट करती चली जाएगी। कैसे करती है देखिए, हम थोड़ा बता देंगे अभी। ठीक है, इसमें कई सारे रॉड भी लगे हुए, ये इसमें व्हील 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 लगा हुआ है, इसको पूरा उठा के हम बीम के पास ले जाते हैं, जिस बीम को हमको वहाँ पे ऐड करनी होती है ना। जैसे हमारा इसमें क्या है कि जो मशीन चल रही है वहीं पे हमको क्या करना है कि जो अब थोड़ा सा बचा होगा फैब्रिक में कि ख़त्म होने वाला था बीम, उस बीम को निकालेंगे, वहाँ पे दूसरी बीम फिट करेंगे, फुल बीम जो हमारी साइजिंग से आ रही है उसको वहाँ फिट करेंगे। अब उसी को जो बीम फिट करेंगे उसको अब क्या करेंगे, जो वहाँ पे बचा हुआ है उसी में उसको क्या करेंगे, नॉटिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा कि बार बार हम यील्ड आई से निकालेंगे पास कराएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि हम उसमें क्या करें, नॉटिंग कर दें और इस हिसाब से नॉटिंग करें कि पता भी ना चले। तो यही जो मशीन है ये नॉटिंग करती है, ठीक है, ये जो ऊपर रखी हुई है। तो इसमें क्या है, ये देखिए इसमें कई सारे रॉड भी रखे हुए हैं ना, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो एक तरह से कॉम्बिंग का भी काम करते हैं, मतलब सेपरेट करने का धागों का। देखिए पूरी लेयर को क्या करेंगे, जो बीम वाली लेयर है हमारी, जो बीम की लेयर है उसके ऊपर, इसके ऊपर फैला लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बीम वाली लेयर पहले, यहीं बीम इसके आगे रखी रहेगी, उसको उसका जो यार्न होगा उसको इसके ऊपर ऐसे एक सीड फॉर्म में बना लेंगे। उसके बाद कई सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उसको एक टेंशन देकर एक क्या करेंगे, इधर जो ये जो लगा हुआ है बिल्कुल इधर फर्स्ट पोजीशन पे, एक तरह से उसमें छोटे छोटे ब्रश टाइप में लगे होते हैं जो धागे को क्या करेंगे, जब इसको हम उसको ऐसे घुमाएंगे रोलर टाइप में ऐसे घुमाएंगे तो क्या करेगा, उसमें एक तरह से टेंशन दे देगा धागों में। तो ब्रश टाइप में लगे होंगे उसमें धागे क्या होंगे, इंडिविजुअली वो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो फंस जाएंगे उसको हम ऐसे घुमाएंगे तो क्या एक सीट फॉर्म में बन जाएगी, टेंशन टेंशन भी उसमें मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब उसको सीट फॉर्म बनाने के बाद उसमें ऊपर से एक स्प्रिंग टाइप में, या उसको स्प्रिंग टाइप में क्या करते हैं, उस सीट को दबा देते हैं, ठीक है, वो सीट नीचे से दब गई। अब जो धागा हमारा उसमें इसमें लूम पे लगा हुआ है जिसको हमें जोड़ना है, उसको क्या करेंगे, इसी के ऊपर से यहाँ पे एक प्लेट रख दिया जाता है, पूरे में नहीं बिल्कुल एकदम साइड साइड पे, जो हमारी फर्स्ट वाली जो हमारी लेयर बनी थी ना, फर्स्ट वाली जो लेयर बनी थी उसके ऊपर एक प्लेट टाइप में रख दिया जाता है, उसमें एक टेंशन एकदम मेंटेन रहता है। फिर क्या होगा, जो हमारा बीम जो हमारा उधर जिससे कपड़ा बन रहा था उसमें कुछ धागा बचा होगा, उसको क्या करेंगे, इसी के ऊपर उसे भी लाएंगे ना। जब उसको लाएंगे तो उसमें भी उसी तरह हम टेंशन देने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी के जस्ट ऊपर ही ये भी लेयर रहेगी। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, मिलेगा कहाँ, बिल्कुल एकदम बीच पे मिलेगा, बीच पे मिलेगा। अब वो क्या करेगा, जो मशीन थी इसका एक उसी पे रैक होगा, यहीं पे इसको बांध दिया जाता है। अभी धीरे धीरे चलती जाती है और जो दोनों लेयर को होगी, बाकी को इधर का जो होगा पार्ट उसको हटाता जाएगा, दोनों को लेयर को क्या करेगा, वहीं पे नोटिंग करते चला जाएगा। इस तरह से इसमें नोटिंग कंप्लीट हो जाती है। इसमें एक रैक बनोगा जिसमें मशीन इधर मूव करती है, ठीक है, इधर मूव करेगी, यहाँ से इधर मूव करती जाएगी, और जो लेयर जैसे दो लेयर बनी हुई है तो दोनों लेयर लेयर को क्या करेगी, ऐसे नोटिंग करते आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से इसमें नोटिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर देखिए यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है, ठीक है, बस इसमें सेटिंग करना है, एक बार सेट हो गया उसके बाद कुछ नहीं करना, वो नोटिंग अपने आप मशीन करती चली जाएगी और हमारा प्रोसेस आगे स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के ड्राइंग को एलिमिनेट किया जाता है, ठीक है ना, कोई ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं, बस इसमें नोटिंग कर दिया जाएगा ना। इसमें वार्प यार्न स्वयं लूम पर बिना एफिशिएंसी खोए ले जाता है, वार्प यार्न को बिना
बिना एफिशिएंसी को मतलब कि अब हमें उसमें क्या ड्राइंग नहीं करनी, बस केवल क्या करना, ऐड करना मतलब जोड़ना है, ठीक है। यह प्रोसेस दोनों प्रोसेस में फास्ट, दोनों प्रोसेस से क्या होता है, फास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम बना लीजिएगा, जो भी हम इसमें दिखाए थे, ये 3D डायग्राम है ये वाला, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, उपर्युक्त प्रोसेस समानता मनुष्य तथा ऑटोमेटिक मशीन द्वारा की जाती है। मनुष्य का मतलब क्या है, जो सीड फार्म बनाएंगे ना, वो मशीन उठा के वहाँ पर रखेंगे, फिट करेंगे, तो वो काम क्या करेगा, कोई वर्कर ही करेगा ना, और बाकी जो काम होगा ऑटोमेटिक होगा द्वारा की जाती है। वो जो मशीन थी जो इसके ऊपर ये चल रही थी, ऑटोमेटिक चलती, बस एक बार लगा दिया जाता है, बटन दबा देंगे तो ये चलती जाएगी, बीच दोनों लेयर में क्या करती, नोटिंग करती, आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। दो सीट फॉर्म में है, अब जब उनके ऊपर से ऐसे जाती जाएगी तो ऐसे नोटिंग करते दोनों सीट फॉर्म को जोड़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। बाकी जो धागा एक्स्ट्रा बचेगा उसको काट दिया जाता है, बस उनसे नोटिंग हुआ, उसी से आगे वो प्रोसीड हो जाएगा। इस प्रोसेस में मैनुअल प्रोसेस की उसी स्थिति में किया जाता है जब किसी मशीन पर बीम बीम पर चढ़ानी होती है, ठीक है ना। मैनुअल कब किया जाता है, जब बीम हमारी ख़त्म हो जाती है, बीम को उस मशीन पे लगाना होता है, तो फिर हम मैनुअली काम करते, नहीं तो फिर हमें हील्ड आई से, ड्रॉप वायर से ये सब पास कराने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब देखिए, उसमें देखिए लिखा है चढ़ानी होती, मतलब उस पर जो कपड़ा पहले से चल रहा है ना, उससे भिन्न प्रकार का कपड़ा नए बीम से बनाना हो ना, उससे भिन्न प्रकार का कपड़ा नए बीम से बनाना हो, तब हमको क्या मतलब कि वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वही वही कपड़ा की अगर हम बनाना बनाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि हमें केवल दो ही वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, जो सीट फॉर्म में जो नोटिंग के टाइम पे काम लगता है, नहीं तो उसके बाद हमको वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कभी कभी किसी वीविंग मशीन में चल रहे कपड़े की क्वालिटी डिज़ाइन में कोई परिवर्तन नहीं करना होता, तो मैनुअल प्रोसेस की आवश्यकता नहीं होती। वही हम बता रहे हैं कि जब हमें वही डिज़ाइन वही कपड़ा बनाना है, तो मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसी में ले जाके बीम को नोटिंग कर दी जाती है। लेकिन अगर हमें दूसरा कपड़ा बनाना है या डिज़ाइन चेंज है, तो फिर हमें मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब तक उसमें हील्ड आई, ड्रॉप से और डेंट रीड से हम धागे को पास नहीं कराएंगे, तो हमारा कपड़ा बनेगा ही नहीं। तो अगर जैसे एक बार पास करा, मान लीजिए हमें येलो कलर पास करा दिए, अब हमको येलो कलर ही का कपड़ा बनाना है, तो फिर उसमें हील्ड आई पास कराने की क्या ज़रूरत है, जो हमारा यार्न बचा हुआ है लास्ट में थोड़ा सा, उसको लेकर, और जो नई बीम आई है उसको हम उसी मशीन से, जो फुली ऑटोमेटिक मशीन, उससे क्या कर देंगे, नोटिंग कर देंगे ना। तो ही लिखा है इसमें, तो मैनुअल प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में साइजिंग से बनी बीम के सभी धागों के सिरों से अलग अलग लीज रॉड तथा बैक रेस्ट के बीच जोड़ देते हैं, ठीक है। जब हमको जैसे वही चीज़ बनाना, तो बस वही साइज मतलब कि सेम कपड़ा बनाना है, तो साइजिंग से जब हमको बीम प्राप्त हुई है, सीधा वहीं जाके उसमें जोड़ देते हैं। यह क्रिया नोट लगाकर की जाती है, ठीक है, ये नोटिंग गांठ लगाकर ना, नोट मतलब गांठ लगा के की जाती है, जो नोटिंग कहलाती है, ठीक है। देखिए, इसका ये इसका मेन मेन क्या हुआ इसमें, कि हमको अगर सेम कपड़ा बनाना है तो हम उसमें नोटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कोई भी कपड़े में कलर या डिज़ाइन या पैटर्न कुछ भी चेंज है, तो फिर हमको उसको मैन्युअली हील्ड आई, ड्रॉप वायर और रीड से धागे को पास कराना होगा, ठीक है। अब इसके देखिए हम प्रोसेस कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहे ना। कंट्रोल देखो, जिस प्रकार की हमें फैब्रिक की डिज़ाइन बनानी होती है, उसी के अकॉर्डिंग वार्प यार्न को हील्ड आई एंड रीड से पास कराया जाता है, ठीक है, तभी प्रोसेस कंट्रोल होगा। मान लीजिए हम बनाना येलो का चाह रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन का पास करवा दिए, तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस कंट्रोल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा हमारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, प्लस उसमें टाइम फिर से कंज्यूम होगा, पूरा निकालेंगे उसको, हटाएंगे, फिर हम दूसरा अपना येलो कलर लगाएंगे, फिर क्या है,
ऑपरेटर को ड्राइंग के बारे में अवेयर एंड ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। उस जो ऑपरेटर उसको अवेयरनेस उसके पास होनी चाहिए और ट्रेंड भी होना चाहिए ताकि ड्राइंग करते समय कोई मिस्टेक ना हो ना, अवेयर होना चाहिए, पूरा ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि ड्राइंग करते समय अगर कोई मिस्टेक हो गई, धागा हमको इस हील्ड से ले जाना है ना, और वो ले गया इस हील्ड से, तो क्या होगा, पूरी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी। तो वेल ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। बीम पर क्रॉस इंड से बचने के लिए बीम की ड्राइंग ठीक से होनी चाहिए, ठीक है। बीम पे क्रॉस इंड से बचने के लिए ना, क्रॉस इंड से बचने के लिए बीम की ड्राइंग सीधी से होनी चाहिए। मतलब कि जो हम हील आई पे एकदम धागा निकालो, वहाँ पे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा सीधा रहेगा तो क्या होगा, आसानी से पास होगा ना। अगर क्रॉसिंग क्रॉस इंड बन गया वहाँ पे तो क्या होगा, उसी में इंटेंगल हो जाएगा, ठीक है। ड्राइंग करते समय सुटेबल प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि कोई भी इंड्स मिस ना हो, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुटेबल प्रिकॉशन, मतलब कि बहुत ध्यान से करना चाहिए, कोई भी इंड अगर मिस हो गया हमारी डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें अगला है, जब एक बार ड्राइंग कंप्लीट हो जाए और ड्राइंग फिर से करना हो तो हील आई रीड आदि को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। साफ नहीं करेंगे तो उसमें जो दूसरे यान का जो अभी गया जो पास हुआ, मान लीजिए येलो गया, हम पब ग्रीन बनाना है तो उसके कुछ पार्टिकल येलो के जो होंगे ना उसी में लगे होंगे, हील आई में जो होल होगा उसी में लगा होगा। तो अगर उसको सही से साफ नहीं करेंगे तो ग्रीन वाले में लग जाएगा, जो कि फैब्रिक पे जब फैब्रिक बनेगा तो वहाँ पे वो इफेक्ट दिखेगा, जो कि हमारे लिए और कंपनी के लिए क्या होगा, एक तरह से सही नहीं होगा, इससे प्रोडक्शन लॉस होगा, कोई खरीदेगा नहीं ना। तो ठीक है, ये रहा यूनिट 4 ड्राइंग और उसके मेन ऑब्जेक्ट और कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।